आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक से पहले हमने दो टॉपिक और किए हैं, दो नंबर्स पढ़े हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो वन से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमने इसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव यानी प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। 0, 1, 2, 3 और ऐसे इधर नेगेटिव यानी माइनस वाले, -1, -2, -4। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। ठीक है, हमें इनका यूज करना है। तो हमारे जो सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें हमें अपोजिट लिखना है यानी विपरीत। विपरीत हमने हिंदी में भी पढ़ा है और इंग्लिश में भी। हिंदी में पढ़े हैं विलोम शब्द, वैसे ही मैथ में। क्वेश्चन है इसमें हमें इन दो नंबर्स, इन दो पार्ट से विपरीत यानी अपोजिट बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला पार्ट हमारा है भार में वृद्धि। वृद्धि यानी कि बढ़ना। ठीक है, जैसे किसी का वेट, भार यानी कि वेट। वेट अगर पहले 20 था, थोड़े टाइम में उसका वेट 25 हो गया, यानी पहले 20 था अब 25 हो गया, तो उसके भार कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया ना। तो यहाँ वही क्या है? भार में वृद्धि। और भार में वृद्धि यानी कि बढ़ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बढ़ने का अपोजिट कम होना। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भार में कम। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है? 700 रुपए की हानि। हानि का अपोजिट क्या होता है? लाभ। लाभ और हानि वाले क्वेश्चन किए ना, हानि का अपोजिट लाभ होता है। तो जब 700 रुपए की हानि हुई तो इसका अपोजिट यानी विपरीत क्या हो जाएगा? 700 रुपए का लाभ। ठीक है, ऐसे इसके दो पार्ट और हैं, वो आपको उससे कहने हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए, इनको आपको पूर्णांक के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी प्लस या फिर माइनस। ठीक है, तो अब जैसे हमारा फर्स्ट वाला है, खाते में 200 रुपए जमा कराना। जब हम अपने अकाउंट में 200 रुपए जमा कराएंगे यानी कि हमारे अकाउंट में 200 रुपए बढ़ गए, बढ़ने के लिए क्या होता है? प्लस का साइन और घटने के लिए माइनस का साइन। तो अब यहाँ पर कितने रुपए बढ़े? 200 रुपए ना, तो क्या आ जाएगा इसको? प्लस 200 यानी प्लस 200। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जमा कराए थे। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? खाते में से 700 रुपए निकालना। जब हमने 700 रुपए निकाले तो हमारे अकाउंट में 700 रुपए कम हो गए यानी कि माइनस हो गए। ठीक है, कम होने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं, दैट इज -700 यानी -700। ठीक है, तो ये अपोजिट लिखना था हमें और यहाँ पर पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। संख्या रेखा जिस पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में होता है 0, इसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। इक्वल डिस्टेंस पे होंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6। इधर नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हमें इसमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है +5। तो यहां पर +5 यानी कि ये नंबर। ठीक है, ये क्या है आपके पास? +5, इसे हम ये भी बोल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट नंबर क्या है? -6। -6 ये रहा, इसे हम बी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग पर ही रिप्रेजेंट करना है, एक की लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना। सबसे पहले +5 और ये -6, ऐसे कितने भी नंबर होंगे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सियाचिन का तापमान। सियाचिन का तापमान कितना है? 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब हमें इसे लिखना पूर्णांक के रूप में यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। जो कम होगा 0 डिग्री से कम होगा, कम का मतलब नेगेटिव में, और जो 0 डिग्री से ज्यादा होगा उसका मतलब पॉजिटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस कम।
तो हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस क्योंकि ये कम था। उसके बाद है शिमला का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, अगेन नीचे यानी कि कम, कम के लिए फिर से माइनस का साइन। नेक्स्ट अहमदाबाद का तापमान दिया हुआ है हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर यानी कि ज्यादा, 0 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा के लिए प्लस का साइन, ठीक है, तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ दिल्ली का तापमान, दिल्ली का तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर के लिए फिर से हम क्या करेंगे प्लस का साइन, ना प्लस, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे यानी कि 0 डिग्री से कम, कम का मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे सभी पांचों स्थानों के तापमान आ गए, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको इन सबको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, वो आपको बताया है, आप खुद से करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा होने का मतलब जिसका टेम्परेचर यानी जिसका तापमान सबसे कम किसका है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है ना, सबसे कम किसका है वो सियाचिन का, तो सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा हुआ स्थान, सियाचिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उन स्थानों के नाम बताने हैं जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दो स्थान है अहमदाबाद और दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो नंबर्स गिवन है, उनमें से हमें बताना है कि कौन से वाला नंबर संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर यानी कि राइट साइड। उसके लिए हमें नंबर लाइन देखनी होगी, नंबर लाइन पर देखो क्या हो रहा है, 0, 1, 2, 3 और जो नेगेटिव नंबर होते हैं, अगर हम देखें जब हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर राइट तरफ जाते हैं, राइट साइड पर जाते हैं यानी दाईं तरफ जाते हैं, तो नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए सीधी सी पहचान क्या है, जो दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो राइट साइड पर यानी कि दाईं तरफ स्थित होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन से वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दाईं ओर पूछे, अगर बाईं ओर पूछेंगे तो क्या होगा, जो नंबर छोटा होगा वो बाईं ओर स्थित होगा, ठीक है। तो दो और नो, ये दो नंबर है, इनमें से कौन से वाला नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है ना, नो बड़ा है, तो नो क्या होगा, दो के दाईं ओर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिए गए युग्म के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लेने, यानी आपको दो नंबर दिए हुए हैं, दो पूर्णांक दिए हुए हैं, उनके बीच के सभी पूर्णांक लेने हैं, लेकिन हमें ऑर्डर दिया है यानी क्रम दिया है, क्या क्रम है, बढ़ता क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर से बड़ा।